इस खबर के प्रायोजक है पटवत सरिया पटखौली जनपद आजमगढ़ से महाप्रधान पद के उम्मीदवार रोशन पाठक जी। नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर यूपी के अलीगंज से आ रही है, जहां अवैध शराब बरामदी की विरोधी चलाए गए अभियान के तहत थाना अलीगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ 10 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई है। अवैध शराब तथा शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत उप जिलाधिकारी अलीगंज PL मौर्य व क्षेत्र अधिकारी अलीगंज जय भदौरिया के नेतृत्व में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा तस्करी हेतु ले जाई जा रही 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई एक अभियुक्त गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा ब्यूरो विकास दुबे की खास रिपोर्ट। सुशाब, अवैध शराब के लिए एक अभियान चलाया गया है, इसमें कितनी शराब बरामद हुई, कहां कहां आपने छापामारी की? श्री भ्रष्ट प्रदर्शन महोदय के निर्देशन में PL मौर्या जी, SDM साहब और मैं अलीगंज की पुलिस को लेकर के तथा एक्साइज के साथ टीम कंबाइंड जो है उसको छापा मार डाला। उसमें करीब जो है 300 लीटर लहम को नष्ट किया गया, 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुछ शराब भी बरामद हुई है? जी, शराब बरामद हुई है और लगातार हम लोग उस पर जो है वो रखे हुए हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देख लो बढ़िया वाली है।